हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल फ्रेंड्स। मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ। और फ्रेंड्स, आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। अगर आपको सारी ब्लेसिंग्स चाहिए तो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके पार्टनर वर्सेस थर्ड पार्टी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप और आपको नहीं पता है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है या कर रही है, तो आज हम यहाँ वो चेक करेंगे सारी बातें। और रीडिंग हमेशा की तरह से जनरल है, टाइमलेस है और जेंडर फ्री है। तो सभी का स्वागत है, सभी एज ग्रुप के लिए ये रीडिंग है। और फ्रेंड्स, रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग, और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिएगा। आप अपने मन में प्रे करिएगा गॉड से कि आपको एक्यूरेट आंसर मिले इस रीडिंग में। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार आप सभी को। आप सभी लोग इस चैनल पर हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। शुरू करते हैं रीडिंग को। और फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं और मुझे मेरे नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, उस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल पिक नहीं हो पाती है। मैसेज कीजिएगा, आपको आंसर्स दिए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। रीडिंग जनरल है फ्रेंड्स, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना अपने पास रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। सभी जोडियक साइन के लिए है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू। प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, प्लीज गाइड करिएगा। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक डेथ, ओवरऑल एनर्जी उनकी डेथ की है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखिएगा पेज ऑफ सॉर्ड्स है। डियर फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली, उनकी कोई एक्स हो सकती हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी एक्स वाइफ हो सकती है, उनका वर्क, उनका कैरियर, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है वो थर्ड पार्टी है। तो अपने अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को देखिएगा और समझिएगा कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है पेज ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सॉर्ड्स हमेशा माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके पर्सन के दिमाग में कभी तो बहुत क्लियर विज़न आता है कि उनको आपके पास आना है, इन्होंने गलती की है, इनको पछतावा करना चाहिए, इनको रिग्रेट करना चाहिए, इस तरह की सोच ये रखने लगते हैं। और कभी कभी इनको ये लगता है कि नहीं, मैं सुपर हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सम टाइम इनको लगता है कि मैं सुपर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस तरह की खुशफहमी में ये बने रहते हैं। अपने ही, जो कहते हैं ना कि अपने आप को सहनशाह समझना, वो ये समझने लगते हैं। लेकिन
टू ऑफ कॉइन्स। ये कितना भी अपने आप को अच्छा समझे, लेकिन जो जिम्मेदारी है ना, जो घंटी इनके गले में पड़ी हुई है ना, वो घंटी बार बार बजती है और इनको एहसास दिलाती है कि मेरे लिए कुछ करो। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी और पर्सन के साथ, तो वो पर्सन इनको बहुत ज़्यादा दर्द देती है, बहुत ज़्यादा इनको टॉन्ट कसती है, बहुत ज़्यादा इनको नीचा दिखाने की कोशिश करती है और बार बार इनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बोलती है। उसका ये कहना है कि अगर तुम जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले रहे हो, अगर तुमने मर्द का तमगा लगा रखा है, तो ये सारा खर्चा, ये सारी जिम्मेदारियां और ये सारा आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह की आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है वो उनको परेशान कर रही है। थ्री ऑफ कॉइन्स एंड द हर्मेट, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो राक्षस पीछे। तो ये जितना भी अर्न करते हैं ना, ये इस थर्ड पार्टी के पास चला जाता है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली, इनकी वाइफ, इनकी एक्स वाइफ, इनकी एक्स गर्लफ्रेंड, कोई अदर पर्सन। तो ये कोशिश बहुत करते हैं, जितना ये नाच गा के, मतलब एक मैं सॉरी मजाक के मूड में नहीं हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जितना ये ऑफिस में वर्क करते हैं, जितना ये घर और बाहर की जिम्मेदारियों में दौड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो सारा का सारा इनके पास चला जाता है। देखिएगा आप, इनके पास सिर्फ एक कॉइन बचा हुआ है और दो कॉइन पीछे इनके पास हैं। और आप देखिएगा इसके हाथ में एक वो जो हम घास काटते हैं ना, फसल काटते हैं, वो हसिया है। तो इनको ये पता है कि इस पर्सन से कैसे पैसा बाहर निकालना है, आप खुद से चेक कीजिएगा। तो ये इस समय इनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली हैं। और कहीं ना कहीं इनको अपनी ज़िंदगी एकांत में लगती है, हर्मिट मोड में है। तो अब सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी बनी हुई है गले की हड्डी, जो ना निगलने की है और ना ही उगलने की। अब कुछ नहीं किया जा सकता इस सिचुएशन में, क्योंकि इस सिचुएशन में ये पर्सन खुद से ही गए हैं बॉटम ऑफ डेक। जो ओवरऑल इनकी एनर्जी है ना इस वक्त, वो है डेथ की। मरता क्या ना करता, मतलब ना तो जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, बीच में लटके हुए हैं, बीच की पोजीशन में हैं, और बड़ा हड़बड़ाहट है ज़िंदगी में, बड़ा तकलीफ़ें हैं, दर्द हैं, रह रहकर ये एक उम्मीद करते हैं कि भाई कहीं से आप एज अ मिरेकल उतर के आओगी या आओगे और इनको बचा लोगे। इस तरीके की इनकी ये सोच है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो इनको ये उम्मीद है कि आप इनको कॉल करोगी या करोगे और इनका दर्द पूछोगे, तकलीफ़ पूछोगे, और इनकी आधी तकलीफ़ उसी में दूर हो जाएगी, ऐसा इनको लग रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, नॉस्टैल्जिक एनर्जी है इनकी, यादें, बस यादें रह जाती हैं। तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपने इनको इतना पैम्पर किया था, इतना ज़्यादा पैम्पर किया था कि वो प्यार जो है इनको अपना फांसी का फंदा लगने लगा था। और अब जब ये सिचुएशन चल रही है डेथ की, तब रह रहकर इनको आपका प्यार याद आ रहा है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ से कब तक जाएगी। यहाँ पर आपको जोडियक साइन बता देती हूँ आपके पार्टनर के, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। यहाँ पर तीन एलिमेंट हैं। ओ माय गॉड, बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको। देखिएगा जिस तरीके से कार्ड्स निकल निकल कर आ रहे हैं, और ये देखिएगा यहाँ भी डेथ कार्ड है, किंग ऑफ कप्स। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें कब तक थर्ड पार्टी हमारी व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ से जाएगी, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच।
कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर 5 to 6 months हो सकते हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर 1 year भी लग सकता है। तो लगभग 1 year तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जा सकती है। एंड द डेविल, देखिएगा ये पर्सन किस तरीके से अपना सर झुकाकर बैठा हुआ है। इसने अपने दोनों कानों को बंद कर रखा है और ये जैसे कि थर्ड पार्टी की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता है या सुनना चाहती है। तो इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी नापसंद कर रहे हैं। लेकिन अब जब तक कि कर्मा डीलिंग हो नहीं जाती है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से नहीं जा सकती है। तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके फेवर के लिए भी वर्क कर रही है। ये उनको एहसास दिला रही है कि आप और इसमें कितना अंतर है। जब इंसान को मीठा मीठा मिलता है ना, तो उसको हजम नहीं होता है, तो कुछ कड़वा भी ज़रूरी होता है। तो ये वही कड़वाहट है जो थर्ड पार्टी इनको दे रही है। चेक कर लेते हैं कि आखिर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं क्या, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। चेक कर लेते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या है इनके मन में जो दबा हुआ है और ये आपसे बोलना चाहते हैं अभी इस वक्त। देखिए फ्रेंड्स, रीडिंग हर दिन चेंज होती है, क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्र कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं होते हैं। हमारे मन की सिचुएशन भी एक सी नहीं रहती है, कभी मन बहुत खुश होता है, कभी बहुत दुखी होता है, कभी बैलेंस में होता है। तो ये सब चलता है अकॉर्डिंग टू स्टार्स। हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, जब वो मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, तो उनका जो स्पेस होता है, उनका जो प्लेस होता है, उनकी जो जगह होती है, उस जगह के अकॉर्डिंग वो कैसा फल दे रहे हैं, उसके ऊपर ही ये रीडिंग बेस्ड होती है। और इसीलिए एनर्जी चेंज होती रहती है। जिस तरीके से समय चेंज होता है कि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, फिर 3 बजेंगे, फिर 6 बजेंगे, इसी तरीके से ग्रह नक्षत्र चेंज होते हैं, इसी तरीके से सभी व्यक्तियों की एनर्जी चेंज होती है, और इसी प्रकार से टैरो रीडिंग भी चेंज होती रहती है। टैरो रीडिंग हमेशा ग्रह और नक्षत्रों के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी, आज, इस वक्त। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक पॉलिटिक्स, ओ माय गुडनेस, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये खुश नहीं हैं, और जिस भी पर्सन के साथ हैं वो पर्सन इनके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है। और देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से इस सांप ने कुंडली मार रखी है इस पर्सन के गले में, और ये डबल फेस, मतलब दोहरी ज़िंदगी जी रहा है इंसान। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट की जो मेमोरीज हैं इनकी, वो उनसे ये निकल नहीं पा रहे हैं। मे भी इन्होंने, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ कुछ प्रोमिसेस किए हैं, कुछ वादे किए हैं, कुछ लीगल इलीगल कागजात तैयार करवाए हैं उसने, इन्होंने उस पर कुछ साइन किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास, और उसी ट्रैप में ये फंसे हुए हैं, ये नहीं निकल पा रहे हैं उस जाल से। हार्मनी नंबर 10, बहुत जल्द निकट फ्यूचर इनको हार्मनी मिलेगी, पीस मिलेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की गाइडेंस में होगा, डिवाइन इंटरवेंशन से होगा। जो भी होगा अब वो सिर्फ और सिर्फ गॉड ही करेंगे। वी आर द वर्ल्ड, देखिएगा नंबर 10, टू टाइम नंबर 10 आया है, तो मे बी आपको भी बार बार नंबर 10 या 10, 0, 1, 11, 11, 999 दिख रहे हों। अगर ये नंबर्स दिख रहे हैं, इट मीन्स एक चेंज आ रहा है, एक ह्यूज चेंज। और इनका जो एक लाइफ का कर्मा डीलिंग का प्रोसीजर था वो पूरा हो रहा है, एक अध्याय ख़त्म हो रहा है लाइफ का, तो एक कर्मा कंप्लीशन इनका हो रहा है।
और इनको उस चीज़ से फुर्सत मिलेगी, निजात मिलेगी, निकल पाएंगे इस ट्रैप से। तो फ्रेंड्स, ये है रीडिंग। आई होप आपको आपके आंसर्स मिले हों। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।